हे गाइस, माय नेम इज़ ज़ारा। नेक्स्ट ये मेरा एक छोटी सी वीडियो मैंने बनानी है, एक छोटे से प्रूफ पे। इंटीग्रेशन से रिलेटेड बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको हमने माइंड में रखना होता है। अगर हमने क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करना है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर आज का हमारा टॉपिक है डेफिनेट इंटीग्रल सिमेट्रिक फंक्शन का। सिमेट्रिक फंक्शन वो इवन फंक्शन भी हो सकता है, वो ऑड फंक्शन भी हो सकता है। अब इवन क्या होता है और ऑड क्या होता है, पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि इवन फंक्शन किसे कहते हैं और ऑड फंक्शन किसे कहते हैं। इवन फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी? इवन फंक्शन को जिस तरह डिनोट करते हैं वो क्या होता है, अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, हम उसके अंदर जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ माइनस एक्स पुट कर दें। इट मीन्स एक्स की जगह हम उस फंक्शन के अंदर नेगेटिव एक्स पुट कर दें और आंसर फिर भी सेम आए, इसका भी आंसर सेम हो और इसका आंसर भी सेम हो, तो इसको हम कहते हैं इवन फंक्शन। ऑड फंक्शन क्या होता है? अगर हम एफ ऑफ एक्स हमारे पास कोई फंक्शन है और उसके अंदर हम माइनस एक्स पुट कर दें तो आंसर सेम ना आए, तो हम उसे कहते हैं ऑड फंक्शन। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं आपको जल्दी से इस टॉपिक की समझ आ जाएगी। इवन फंक्शन की एग्जांपल क्या है? एक्स स्क्वायर एक मेरे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। अगर मैं एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस एक्स पुट कर दूँ तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा? माइनस एक्स की स्क्वायर, माइनस के साथ ऊपर क्या हो टर्म? इवन, तो यहाँ पे पॉजिटिव एक्स स्क्वायर ही आएगा। तो जब मैंने x की जगह माइनस एक्स किया तो फंक्शन में तो कोई चेंज ना आया, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं इवन फंक्शन। लेकिन अगर मेरे पास फंक्शन होता एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइन प्लस एक्स क्यूब, मेरे पास फंक्शन होता तो फिर मैंने क्या करती, x की जगह माइनस एक्स पुट कर देती, तो ऊपर पावर क्या थी? ऑड। ऑड पावर हो तो नेगेटिव साइन नेगेटिव ही रहता है, तो वो आता माइनस एक्स क्यूब। तो जब मैंने x की जगह माइनस एक्स किया तो फंक्शन भी एक्स क्यूब से माइनस एक्स क्यूब हो गया, इक्वल नहीं आया। तो ये एग्जांपल थी ऑड फंक्शन की। ऐसे फंक्शन को हम ऑड फंक्शन कहते हैं, ऐसे फंक्शन को हम इवन फंक्शन कहते हैं। ये छोटा सा मैंने आपको इंट्रो दिया है इवन और ऑड फंक्शन का, क्योंकि हमने यहाँ पे बात करनी है इवन ऑड से रिलेटेड। डेफिनेट इंटीग्रल सिमेट्रिक फंक्शन, सिमेट्रिक फंक्शन के डेफिनेट इंटीग्रल क्या होते हैं? मैंने आपको कहा सिमेट्रिक फंक्शन इवन भी हो सकता है ऑड भी हो सकता है। जब इवन होगा तो उसकी शक्ल कैसी होगी, जब ऑड होगा उसकी शक्ल कैसी होगी, मैं आपको बताऊँगी आज की इस आर्टिकल में। इस प्रूफ में मैं आपको इवन का बताऊँगी, ये प्रूफ है इवन का। अगर आपके पास, आपको कह दिया जाए इफ़ एफ इज इवन, अगर आपके पास एफ इवन है तो प्रूव करें इस स्टेटमेंट को। ये स्टेटमेंट क्या है? इस स्टेटमेंट डेफिनेट इंटीग्रल की है। माइनस ए टू ए इसकी लिमिट्स है, एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, तो जब हम इसको लिमिट को इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे तो हम डायरेक्टली उसको इस फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं, ज़ीरो टू ए टू के साथ मल्टीप्लाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इस फंक्शन को एज इट इज़ ही रखना पड़ेगा, लिमिट हमारे पास ज़ीरो टू ए हो जाएगी और बस टू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये एक फॉर्मूला है आपके पास इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का विद इन टू मिनट्स। तो इस फॉर्मूला का प्रूफ अक्सर क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। ये फॉर्मूला तो जब सवालों पर लगाएंगे ही, मैं आपको बताऊँगी कि ये फॉर्मूला मैंने किन क्वेश्चंस पर लगाया, कब कब लगाया है, जब हम आगे एप्लीकेशंस करेंगे ये फॉर्मूला यूज़ होगा। लेकिन अभी के लिए मैं आपको इस फॉर्मूले का प्रूव करवा रही हूँ, ये चीज़ इसके इक्वल कैसे है अगर फंक्शन इवन है। ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आपने अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। अगर एफ इवन है तो ये चीज़ इसके इक्वल है। इसको थोड़ा सा पहले मैं ज्योमेट्रिकली बताऊँगी, फिर मैं इसका प्रूफ करवाऊँगी। ज्योमेट्रिकली ये किस तरह होगा? लेट्स सपोज ये एक्स एक्सिस है और ये माइनस ए है और ये ए पॉइंट है और यहाँ पे मैं कहती हूँ कुछ हमारे पास वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और यहाँ पे पॉइंट है ज़ीरो। तो इवन फंक्शन की कुछ इस तरह मैं शक्ल बना सकती हूँ।
थोड़ा सा अजीब बनी है शक्ल, क्योंकि मैं हाथ से बना रही हूँ, लेकिन इसकी कुछ इस तरह शक्ल होगी कि जो फंक्शन ऊपर ऊपर होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर ऊपर होगा, नीचे नहीं होगा, या फिर नीचे होगा ऊपर नहीं होगा, मिक्स नहीं होगा, ऊपर नीचे नहीं होगा। तो ये फंक्शन किस तरह है, जो शक्ल इसकी इधर बन रही है वही शक्ल इसकी इधर बन रही है, मेरी वजह से नहीं सही बने लेकिन इधर इधर सेम बने, तो इसको हम कहते हैं इवन फंक्शन का ग्राफ। तो ये ग्राफ होता है इवन फंक्शन का। ऐसे ग्राफ की, ऐसी शक्ल की जब भी हम इंटीग्रेशन लेते हैं, यानी एरिया फाइंड आउट करते हैं इसके अंदर वाला, तो हम इन इधर से लेके इधर तक इंटीग्रेट लेने के बजाय इस पार्ट का इंटीग्रेशन लेते हैं, इतने से पार्ट का इंटीग्रेशन लेने के बाद उसको टू से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास इस पूरे का आ जाता है। ये कॉन्सेप्ट है टाइम बचाने के लिए, कि अगर आपने इतने बड़े पार्ट का, ये तो मैंने ग्राफ बनाया है, पता नहीं कितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपके पास हो, तो आप क्या करते हो, अगर सिमेट्रिकली हो एक पार्ट की निकाल के उसको टू पर मल्टीप्लाई करते हो, तो सेकेंड की भी दोनों की इकट्ठी निकल आते हैं। तो ये हमारे पास था इसका कंसेप्ट। अब हम इसका करेंगे प्रूफ। हमने प्रूफ करना है -a to a f(x) dx इक्वल है 0 to a f(x) dx के। हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इसकी प्रूफ कैसे करते हैं, हम दो साइड्स होती हैं राइट एंड लेफ्ट, हम लेफ्ट साइड को पकड़ के राइट साइड का आंसर निकालेंगे तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो कंसीडर करेंगे, कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड, या फिर उसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे -a to a f(x) dx। अब हम इसका इंटरवल ब्रेक कर सकते हैं, ये एडिटिव रूल होता है डेफिनेट इंटीग्रल्स का, इंटरवल ब्रेक करना, क्योंकि ये फंक्शन है कॉन्टीन्यूअस। कॉन्टीन्यूअस फंक्शन मैंने ऊपर मेंशन किया, अगर एफ कॉन्टीन्यूअस है तब। कॉन्टीन्यूअस का मतलब क्या होता है, जब ये ग्राफ बनेगा इसमें कोई भी होल नहीं होगा, कहीं पे ब्रेकिंग पॉइंट नहीं होगा, ये ग्राफ कहीं पे ब्रेक नहीं होगा, ये कंटिन्यूसली चलता जाएगा। अगर ये ग्राफ कंटिन्यूसली चलता जाएगा तो माइनस ए और ए के दरमियान मस्ट ज़ीरो एक पॉइंट होगा। तो हम इसकी इंटीग्रल को डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट्स में, कैसे, -a to 0 एक पार्ट, 0 to a दूसरा पार्ट। तो मैं वैसे ही इसको डिवाइड करूंगी, -a to 0 एक पार्ट हो जाएगा, प्लस 0 to a सेकेंड पार्ट हो जाएगा। इसको मैंने डिवाइड कर दिया एडिटिव रूल डेफिनेट इंटीग्रल का अप्लाई करके। अगर मैं ऑर्डर ऑफ लिमिट्स चेंज कर दूं, अपर को लोअर और लोअर को अपर लिमिट बना दूं, तो इसका एक रूल होता है, आपको माइनस साइन लगाना पड़ता है बाहर, फिर आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो। मैंने ऑर्डर चेंज करना है इसलिए मैंने माइनस साइन लगा दिया। अब ऑर्डर मैंने कैसे चेंज किया, 0 नीचे आ गया और -a ऊपर आ गया। नेक्स्ट मैंने क्या करूँगी, यहाँ पे जो एक्स है, अगर मैं इस एक्स की जगह वैल्यू पुट कर दूँ, कोई सब्स्टिट्यूट कर दूँ, कोई और वैल्यू, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर सब्स्टिट्यूशन के से रिलेटेड दिया था, उसे मैंने सब्स्टिट्यूशन लॉ को अप्लाई किया था, उसे मैंने आपको बताया था कि अगर हम किसी वेरिएबल की जगह कोई और वेरिएबल डाल दें तो हम उसकी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन भी उसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको रफली थोड़ा सा बताती हूँ कि यहाँ पे मैं क्या सब्स्टिट्यूट करने लगी हूँ। अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ -u = x कर दूँ पुट यहाँ पे, तो -du = हो जाएगा dx। अगर डेरिवेटिव लूँगी तो -du = dx आ जाएगा। सब्स्टिट्यूशन वाला अगर आप मेरा लेक्चर देखेंगे तो आपको इस आर्टिकल की ज़्यादा समझ आएगी। तो -du = dx दोनों तरफ डेरिवेटिव मैंने अप्लाई कर दिया। अगर मैं इसकी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करूँ तो किस तरह होगी, अगर मेरे पास वैल्यू होगी एक्स तो मेरे पास -u था, तो मैं इसकी जगह कर सकती हूँ एक्स की, अगर मैं वैल्यू पुट करूँ -a और यहाँ पे आ जाएगा -u। अगर x की वैल्यू हमारे पास 0 है तो u भी हमारे पास 0 होगा, कैसे, इसको आप ऐसे समझें, अगर x की वैल्यू 0 है हमारे पास तो u की वैल्यू
एक्स जीरो है तो यू भी जीरो हो जाएगा। तो हम इधर कर सकते हैं इसकी जब इंटीग्रेशन चेंज करेंगे लिमिट्स, तो एक्स जीरो तो यू भी जीरो ही रहेगा। लेकिन अगर मैं इसी फॉर्मूला से ये लिख दूँ यू इज इक्वल टू माइनस एक्स, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना इसको। तो अगर u की वैल्यू हमने निकालनी है और x की वैल्यू क्या हो माइनस ए, तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी a। तो मैं इसका मतलब अगर x जीरो है तो u जीरो, अगर x माइनस ए है तो u आ जाएगा a। तो मैं इसकी लिमिट ऑफ जो लिमिट्स होंगी चेंज करूँगी सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। जब हम सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इसकी लिमिट्स चेंज करेंगे तो कैसे आएगा, माइनस जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स की जगह माइनस यू और डी एक्स की जगह उसकी वैल्यू माइनस डी यू, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दी डी एक्स की वैल्यू और एक्स की वैल्यू की जगह उनकी वैल्यूज पुट कर दी, प्लस जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स एज इट इज ही रहेगा। ये है डेरिवेटिव के साथ माइनस, ये बाहर हम निकाल सकते हैं लेकिन ये जो फंक्शन के अंदर माइनस साइन है इसको हम चेंज नहीं कर सकते, इसको ना हम बाहर निकाल सकते हैं ना ही इसको हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन इस माइनस को मैं बाहर निकाल सकती हूँ, जब ये माइनस इंटीग्रल के बाहर आएगा तो माइनस ऑलरेडी वहाँ पे एक है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा ज़ीरो टू ए एफ ऑफ माइनस यू डी यू प्लस ज़ीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे हमने कंसेप्ट यूज़ करना है फंक्शन इवन का। मैंने आपको बताया था अगर फंक्शन इवन हो तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू होता है एफ ऑफ माइनस एक्स। अगर एफ इधर इवन है, हमारे पास कंडीशन है कि एफ इवन होना चाहिए, तब ये फॉर्मूला प्रूव करना है। तो अगर हमारे पास एफ इवन है तो एफ ऑफ माइनस यू एफ ऑफ यू के ही इक्वल होगी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एज एफ इज इवन एफ माइनस यू इक्वल टू हो जाएगा एफ ऑफ यू के। तो जब हम उस कंडीशन को अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो ज़ीरो टू ए एफ ऑफ यू लिख सकते हैं डी यू प्लस ज़ीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अगर ये आपको समझ नहीं आई तो मैं फिर से बता देती हूँ, अगर माइनस यू है तो यहाँ पे ये पॉजिटिव यू के इक्वल होगा अगर फंक्शन इवन है। अगर फंक्शन ऑड होता तो एफ ऑफ माइनस यू इक्वल टू होना था माइनस एफ ऑफ यू के। तो यहाँ पे इवन है इस वजह से यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, तो हमने इसको इसकी जगह वैल्यू पुट कर दी इसकी। अब यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शंस होंगे। अगर आप थोड़ा सा गौर करें दोनों फंक्शंस अगर आप नोट करें तो एक जैसे हैं, दोनों का आंसर भी सेम होगा। किस तरह एक जैसे हैं, एफ ऑफ यू फॉर एग्जांपल यू में आपका कोई आंसर देता है फंक्शन, क्योंकि इसका वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन यू के अंदर है। तो जब इसकी अपर और लोअर लिमिट, इसकी अपर और लोअर लिमिट दोनों सेम है, फंक्शंस भी सेम है, जस्ट वेरिएबल चेंज है, तो ये फंक्शंस दोनों एक ही फंक्शंस होते हैं। ये आपने फंक्शंस में कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे तो यू था यहाँ पे तो एक्स था, ये दो कैसे हो गए, दो इस तरह हुए। अगर यहाँ पे एक्स था यहाँ पे यू है, तो मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल दूँ शायद फिर आपको समझ आ जाए इसका। यू लेट्स सपोज यू क्यूब है और एफ ऑफ एक्स भी एक्स एक्स क्यूब है, दोनों की लिमिट्स सेम है ज़ीरो टू ए ज़ीरो टू ए। तो अगर हम इन दोनों फंक्शन की निकालें वैल्यूज़, इनके इन एंटी डेरिवेटिव निकालने के बाद इनके अगर इन वैल्यूज़ निकालें, तो अगर हम एंटी डेरिवेटिव दोनों का निकालें तो इसका एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा यू क्यूब यू की सॉरी फोर ओवर फोर ज़ीरो टू ए, इसका आ जाएगा एक्स फोर ओवर फोर ज़ीरो टू ए। जब मैं यहाँ पे अपर लोअर पुट करूँगी दोनों के आंसर सेम आएंगे, इसलिए हम मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे अगर 0 टू a है एफ ऑफ यू और 0 टू a है एफ ऑफ एक्स, जब आप इसकी इंटीग्रेशन निकालेंगे और वैल्यू लिमिट्स की पुट करेंगे तो इन दोनों आंसर्स ने एक दूसरे के इक्वल होना है। तो हम लिख सकते हैं इसकी जगह 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। जस्ट मैंने u की जगह x को पुट किया है जस्ट, और मैंने कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लॉ यूज़ नहीं किया, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं। मैंने बस वेरिएबल जो इंटीग्रेशन था वो दोनों के सेम कर दिए ताकि आपको आगे अगले स्टेप की समझ आ जाए। ये दो फंक्शंस हो गए एक जैसे, तो मैं यहाँ पे टू इंटू ज़ीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिख सकती हूँ। हमने प्रूव क्या करना था, पहले प्रूव करना था कि ये चीज़ इसके इक्वल है अगर फंक्शन इवन है। हमने लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर की और हमने प्रूव कर दिया राइट हैंड साइड के इक्वल। तो ये हमारे पास आ गया प्रूफ इसका, अगर फंक्शन इवन है
तो डेफिनेट इंटीग्रल सिमेट्रिक फंक्शन का इसके इक्वल होगा। इसी के साथ साथ हम इसका सेकंड पार्ट प्रूफ का करेंगे। ये दो प्रूफ आते हैं क्वेश्चन पेपर में मोस्टली, दोनों में से एक तो लाजमी आ जाता है, तो हम सेकंड इसका प्रूफ करते हैं। सेकंड प्रूफ इसका क्या है कि अगर इफ़ एफ इज़ ओड, अगर एफ ओड हो तो प्रूफ करना है माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू है ज़ीरो के। इसका प्रूफ मोस्टली बुक्स में मेंशन नहीं होता, कहा जाता है कि आपने खुद करना है, तो मैं आपको ये इसका प्रूफ करवा देती हूँ ताकि आप मैच कर लें कि आपका भी इस तरह ही हुआ है कि नहीं। इफ एफ इज ऑड तो इसको हमने प्रूफ, अगर एफ ऑड है तो हम कह सकते हैं कि एफ माइनस यू इज इक्वल टू माइनस, बाहर आ जाएगा एफ ऑफ यू फंक्शन आ जाएगा। अगर यहाँ पे एफ इवन होता तो ये माइनस को बाहर हम ना निकालते, वो फंक्शन माइनस के साथ जो था वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता। यहाँ पे एफ ऑड है तो हम इसके लिए ये वाली यूज़ करेंगे कंडीशन को अपने प्रूफ में। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। जब हम इसका प्रूफ करेंगे तो सिमिलरली जैसे मैंने पहले आपको प्रूफ करवाया, हम इसके इंटरवल को ब्रेक करेंगे। माइनस ए से ए के दरमियान ज़ीरो पे हम इसको ब्रेक करेंगे। माइनस ए से ज़ीरो इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस ज़ीरो से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये जैसे मैंने अभी आपको पहले करवाया सेम मैंने उस तरह इसको ब्रेक किया। जब हम लिमिट का ऑर्डर चेंज करते हैं, ऑर्डर चेंज करने का मतलब क्या होता है, अगर हम लोअर लिमिट को अपर लिमिट के साथ चेंज करते हैं, अपर को लोअर बना दें और लोअर को अपर लिमिट बना दें, तो हम मैथ का रूल होता है साथ में एक माइनस साइन लेते हैं जिससे पता चल जाता है कि हमने लिमिट्स की जो ऑर्डर है उसको चेंज कर दिया, अपर को लोअर और लोअर को अपर में कन्वर्ट कर दिया, बाकी हम उसको एज इट इज लिख देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हमें कुछ सब्स्टिट्यूशंस यूज़ करनी पड़ेंगी। सब्स्टिट्यूशंस के लेक्चर मैंने आपको दे दिया है, उसमें मैंने आपको बताया सब्स्टिट्यूशंस जब हम करते हैं तो हम किस तरह लिमिट्स को चेंज करते हैं, किस तरह फंक्शन को चेंज करते हैं। यहाँ पे मैं इस x की जगह सब्स्टिट्यूट करूँगी माइनस यू, लेट x इज इक्वल टू माइनस यू। अगर x माइनस यू के इक्वल है तो जब डेरिवेटिव x का लेंगे तो वो माइनस डी यू के इक्वल आएगा। सिमिलरली जब हम इसकी लिमिट्स को चेंज करेंगे, अगर x हमारे पास ज़ीरो है और x किसके इक्वल है माइनस यू के, तो u हमारे पास किसके इक्वल आएगा ज़ीरो के। सिमिलरली अगर हमारे पास x है माइनस ए के और यहाँ पे हम x की जगह माइनस ए पुट कर दें, तो माइनस ए इज इक्वल टू माइनस यू, माइनस से माइनस कट जाएगा तो a इज इक्वल टू यू आ जाएगा, तो u इज इक्वल टू a हो जाएगा। अब यही सब्स्टिट्यूशंस हम यहाँ पे सिर्फ इस पार्ट के लिए करेंगे। माइनस इंटू, जब x ज़ीरो था तो u भी ज़ीरो था, जब x माइनस ए था तो u a था, और यहाँ पे f ऑफ माइनस यू और dx की जगह इसकी वैल्यू माइनस डी यू पुट कर देंगे। अभी तक मैंने कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं किया। माइनस और यहाँ से ये जो माइनस बाहर आएगा ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे, और यहाँ पे वापस रह जाएगा ज़ीरो से a f ऑफ माइनस यू डी यू प्लस ज़ीरो से a f ऑफ x डी एक्स। अब हमें पता है हमारा फंक्शन क्या है, ओड। अगर फंक्शन ओड हो तो f ऑफ माइनस यू को हम किस तरह लिख सकते हैं, माइनस बाहर कॉमन एफ ऑफ यू डी यू, क्योंकि ये हमारे पास कंडीशन थी कि जो फंक्शन है हमारे पास वो क्या है, ऑड फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन की कंडीशन को यूज़ करते हुए हमने इस फंक्शन की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दी। हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस ज़ीरो से ए एफ ऑफ यू डी यू प्लस ज़ीरो से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यहाँ पर फंक्शन u है, फंक्शन सेम है, बस उसके अंदर जो वेरिएबल है वो u की फॉर्म में होगा, u के अकॉर्डिंग इंटीग्रेट होगा। सिमिलरली यहाँ पे x है वो x के अकॉर्डिंग इंटीग्रेट होगा, लेकिन फंक्शन सेम है तो वेरिएबल्स जिसके मर्जी हों, जो से मर्जी हो, यहाँ पे t आ जाए यहाँ पे w आ जाए, फंक्शन सेम है तो आप इन दोनों के आंसर को इक्वल ही समझें। अब एक आंसर है पॉजिटिव के साथ और एक आंसर है नेगेटिव के साथ, और अगर आंसर सेम है तो हम इन दोनों को आपस में कट कर सकते हैं और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो। इसलिए हम यहाँ पे इस फंक्शन का प्रूफ
कहते हैं कि अगर f ऑड है तो माइनस a से a f ऑफ x dx जीरो के इक्वल होता है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड पकड़ी और हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई, सो हेंस प्रूव्ड। ये प्रूव मैंने इसलिए कराया, मोस्टली बुक्स में ये प्रूव नहीं होता। आज का हमारा टॉपिक था डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ सिमेट्रिक फंक्शन। इसमें दो रिजल्ट मैंने करवाए हैं जो आगे जाके क्वेश्चन उनसे रिलेटेड करवाऊंगी, जिसमें ये रिजल्ट यूज होंगे। मोस्टली पेपर के अंदर यही है, हमें प्रूफ पूछ लिए जाते हैं। अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा, आपको समझ आई, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, आगे लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू।